Yes, hello friends. We are moving towards a wonderful discussion today, and that is tax calculation. It seems very fundamental, but it is useful for CA final as well. IPCC के लिए तो पक्का ये काम आएगा, लेकिन CA final के students भी उसको ध्यान से समझ लें. It will be one kind of revision, which will be helpful. अब देखें तो Finance Act 2016 में क्या rates लगाए गए हैं. ये tax calculation का जो हम discussion करने वाले हैं, that is based on Finance Act 2016. तो 2016 के budget के tax rates हैं. करंट बजट जो 2017 में आया वो एप्लीकेबल होगा मई 18 नवंबर 18 अटेम्प्ट को लेकर, इसलिए उसकी अभी चिंता ना करें. एक्सेप्ट यू आर अपीयरिंग फॉर मई 18. तो बोर्ड पे आपने देखा टैक्स कैलकुलेशन. अब आपके हाथ में एक अच्छी खासी कॉपी है, उसमें आप टैक्स रेट्स देखें प्लीज. पहला है पैराग्राफ ए, ध्यान से पढ़े. पैराग्राफ ए टॉक्स अबाउट टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल. अकेला इंडिविजुअल नहीं है, HUF, AOP, BOI, फिर लिखा है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. सबके लिए कुछ टैक्स के स्लैब दिए गए हैं. यू आर ऑलरेडी अवेयर क्या स्लैब रेट है. 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 अक्सर प्राइम का कोई टैक्स नहीं. 2.5 से 5 लाख 10%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%. ये जनरल टैक्स रेट है किसके लिए, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए. अब उसमें ध्यान देंगे तो नेक्स्ट कैटेगरी है जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच है. लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें, मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं. रेसिडेंट वर्ड है, क्या वर्ड है, रेसिडेंट. तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी उम्र है 60 से 80 के बीच, अब आप एग्जाम में कैसे तय करने जाएंगे कि आपके दादा 60 से ऊपर है और 80 से कम उम्र है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बर्थ डेट डाल दी है. तो बर्थ डेट आप ध्यान रख लें, अगर 1937 से 1957 के बीच में उनका जन्म है, अप्रैल 1, 1937 और मार्च 31, 1957, तो दादा पक्के कैटेगरी बी में आएंगे. लेकिन कौन से दादा चाहिए, नॉन रेसिडेंट नहीं, कौन से, रेसिडेंट. रेसिडेंट दादा चाहिए. अगर रेसिडेंट दादा है तो उनको 3 लाख का सीधा स्लैब मिलेगा. अब 2-3 लाख देयर इज नो टैक्स, और बाकी रूटीन है 3 से 5 लाख, 5 से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर, बी केयरफुल. फिर ये आपके सुपरमैन दादा है, नेक्स्ट कैटेगरी सी, तो जिसको हम बोलते हैं सीनियर, वेरी सीनियर सिटीजन. तो अर्लियर वॉज सीनियर सिटीजन, अब नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, सुपर सीनियर सिटीजन, यानी जिनका जन्म हुआ है अप्रैल 1, 1937 से पहले, यानी जो ऑलरेडी 80 साल क्रॉस कर चुके हैं. वो सुपर दादा इसलिए बोलता हूँ मैं सुपरमैन, क्योंकि वो सीधा 10% का जो स्लैब है वो उड़ के चले जाएंगे, 10% का स्लैब आएगा ही नहीं. सुपरमैन है सीधा, कौन सा, 20%. पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख 20% का स्लैब, और 10 लाख से ऊपर 30%. फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर टैक्स रेट्स हैं, तो उनका 10,000 तक 10% टैक्स, 10 से 20,000 20% टैक्स, 20,000 से ऊपर 30% टैक्स. फिर फर्म, और हजार बार बोल चुका हूं मैं, फॉर्म इंक्लूड्स एलएलपी, तो फॉर्म हो या एलएलपी उनके लिए टैक्स रेट है AY 17-18 को लेकर 30%. लोकल अथॉरिटी पता नहीं कब प्रॉफिट कमाएगी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपालिटी, लेकिन कमाएगी तो इनकम टैक्स बोलता है 30% से छुटकारा होगा उनका, 30% टैक्स देना पड़ेगा. कंपनी है तो प्राइमरी रेट जो है, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है तो 30%, और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी जिसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी, उनके लिए टैक्स रेट क्या है, 40%. हाँ, कुछ कंपनी को लेकर 29% टैक्स भी है, वो यहाँ अभी मैंने कवर नहीं किया है. फंडामेंटल टैक्स रेट्स क्या है फाइनेंस एक्ट 2016 में, वो मैंने आपको बताया. अब सर कटा के चार्ज, सरचार्ज, नेक्स्ट पेज. सरचार्ज क्या लगेगा, बी केयरफुल फॉर AY 17-18, यानी जो बच्चे मई 17, नवंबर 17 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए. सरचार्ज अगर आप इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI है या कोई भी है, आप अप टू 1 करोड़ देर इज नो सरचार्ज. बट 1 करोड़ क्या, वो ध्यान रखना है, टोटल इनकम. जब मैं बोलो टोटल इनकम, हर जगह कोई लोग लिखते हैं नेट इनकम, इज नॉट ए करेक्ट वर्ड. इंडियन इनकम टैक्स में लिखा गया है टैक्स इज ऑन टोटल इनकम, यानी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर 80C टू
ATU, फिर जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। तो ये टोटल इनकम अगर करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ के अंदर है अगर आप इंडिविजुअल HUF हैं, या 10 करोड़ से भी ऊपर हैं, सबके लिए स्टैंडर्ड रेट है 15%, 15%। इन शॉर्ट इंडिविजुअल HUF, EOPBY अगर इनकम करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज कितना होगा, 15%। अगर आप फर्म हैं तो 12%, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो 12%, लोकल अथॉरिटी तो 12%। हाँ, अब डोमेस्टिक कंपनी में और फॉरेन कंपनी में थोड़ा बदलाव है। डोमेस्टिक कंपनी में हमें देखना है करोड़ से 10 करोड़ तक की इनकम है, और कौन सी इनकम, अब ध्यान से पकड़ लेना, टोटल इनकम, तो सरचार्ज है 7%, और 10 करोड़ से ऊपर की डोमेस्टिक कंपनी की इनकम तो सरचार्ज है 12%। फॉरेन कंपनी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, उनके लिए सरचार्ज बहुत कम है, 2% और 5%। 1 से 10 करोड़ की टोटल इनकम 2%, 10 करोड़ से ऊपर 5%। आई थिंक ये तो आपको जानकारी है। अब कुछ बताया गया था IPCC में आपको, मार्जिन रिलीफ, क्या बताया गया था वर्ड, मार्जिन रिलीफ। कुछ बच्चे बहुत परेशान थे ये मार्जिन रिलीफ क्या है, वहां एक नोट लिखा है, आप देखे तो नोट क्या लिखा है, इट दिस सरचार्ज इज सब्जेक्ट टू व्हाट, मार्जिन रिलीफ। अब ये मार्जिन रिलीफ की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखे हैं, एक हमारे एक्टिव का एग्जाम्पल लिखा है, एक हमारे पैसिव मेंबर का एग्जाम्पल लिखा है। तो आप देखें एग्जाम्पल ए, सब लोग मेरे साथ, हमारे टैक्स पेयर एक्टिव हैं, एकदम एक्टिव हैं, उम्र है उनकी 54 साल, और एग्जैक्टली करोड़ रुपए कमाए हैं उन्होंने, और उनकी टोटल इनकम क्या है, अंडरलाइन करें, टोटल इनकम क्या है, करोड़ रुपए कमाए हैं। अब करोड़ का टैक्स क्या होगा, 54 साल की उम्र है, कौन सा स्लैब लगेगा, और लिखा है कौन सा स्लैब लगेगा, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख 10%, 5 से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, आप ऐसे निकालेंगे तो टैक्स बनेगा 28,25,000। अब मुझे बताओ हमारे एक्टिव की टोटल इनकम क्या करोड़ से ऊपर है, नहीं है, तो क्या सरचार्ज लगेगा, नहीं लगेगा। तो आप देखो मैंने सरचार्ज लगाया नील, याद रहे मैंने अभी एजुकेशन सेस ऐड नहीं किया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन वाई मार्जिन रिलीफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो पढ़े हमारे पैसिव, पैसिव हैं, उनकी पैसिव इनकम ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने करोड़ नहीं कमाया, क्या कमाया, करोड़ के ऊपर 1 लाख ज़्यादा कमाया, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दी, उसमें से लाख रुपए पैदा हो गए हाउस प्रॉपर्टी हेड में, 55 साल की उनकी उम्र है, और कितनी इनकम है उनकी टोटल इनकम, 1 करोड़ 1 लाख। अब पैसिव की हालत देखे तो बड़ ऑब्वियस है, पुराना टैक्स कितना था एक्टिव का, 28,25, कितनी इनकम बढ़ी है एक्टिव को कंपेयर करते हुए, 1 लाख, तो नया टैक्स कितना बढ़ेगा, 1 लाख का 30%, 30,000, तो 28,55 समझ में आया, 28,55,000। अब बी केयरफुल, अब क्या हुआ, इनकम करोड़ से ऊपर चल गई तो क्या लगेगा सरचार्ज, कितने परसेंटेज बोलो, 15%। अगर आप निकालेंगे 15% तो अमाउंट बनेगी 4,28,250। इसका मतलब कि सब टोटल होगा 32,83,250। पन्ना मत घुमाएं, मेरे साथ रहें। एक्टिव 1 करोड़ इनकम है, टैक्स क्या बन रहा है विद सरचार्ज, 28,25,000। पैसिव ने 1 लाख ज्यादा कमाया तो टैक्स क्या बन गया, 32,83,250। तो इंक्रीमेंटल इनकम क्या है कंपैरिजन करें तो 1 लाख, और इंक्रीमेंटल टैक्स क्या है, नेक्स्ट पेज पे अब देखें, 4,58,250। पैसिव ने बिचारे ने 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया तो उनको कितना टैक्स एक्टिव के कंपैरिजन में ज्यादा देना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज टॉप पे 4,58,250। आर यू गेटिंग मी नॉट, कितना टैक्स, अनबिलीवेबल अमाउंट। तो क्या होगा, पैसिव क्या करेंगे, नहीं चाहिए मुझे वो लाख रुपए, तुम ले जाओ, लाख रुपए कमाने का 4 लाख के ऊपर टैक्स देने का, तो लाख रुपए मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट, तुम ले जाओ, दैट इज मार्जिनल रिलीफ। आई रिपीट, लाख रुपए मैं अर्न कर रहा हूं और मुझे डिफरेंशियल 4,45 लाख टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वो लाख रुपए पॉकेट में डालूंगा कि गवर्नमेंट के मुंह पे, समझ में आया आपके। तो आप समझो मार्जिन रिलीफ की जरूरत इसलिए पड़ी, कमाया मैंने थोड़ा, टैक्स बढ़ा कितने परसेंटेज,
इसलिए क्या स्टेप्स निकलेंगे? वो बोलते हैं कि करोड़ के ऊपर जो कमाया गवर्नमेंट तुम ले जाओ, हमें छोड़ो, दैट इज मार्जिनल रिलीफ। तो अब पैसिव का टैक्स कैसे निकलेगा? देखो, एक करोड़ तक टैक्स क्या था बोलो? 28,25,000। करोड़ के ऊपर कितना कमाया उसने? 1,00,000। वो भी किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। तो 28,25 पे 1,00,000 रुपए गवर्नमेंट को जोड़ दो तो गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 29,25। एकदम समझ में आया? अब उसके ऊपर मुझे क्या ऐड करना है? एजुकेशन सेस तो ऐड करना ही है। तो मार्जिन रिलीफ की जरूरत क्यों पड़ी? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन। एक छोटा सा सम। अब ऐसा एग्जाम में कहां करने जाएंगे आप? इसलिए मैंने आपके लिए चार स्टेप लिख लिए, क्योंकि हम लोग गुजराती लोग हैं तो गरबा हम अच्छा खेल लेते हैं, उसमें स्टेप्स खेलते हैं हम। तो चार स्टेप डाल दिए हमने, इजी स्टेप्स टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। जब भी इंडिविजुअल की इनकम एक्सीड्स क्या हो जाए 1 करोड़, क्या कर ले आप? पहला स्टेप सिंपल सा, रेगुलर टैक्स ढूंढे। तो हमने ढूंढा था इसका, फिर उसके ऊपर क्या ऐड कर दे? सरचार्ज। अभी एजुकेशन सेस को ना जोड़े। दूसरा स्टेप, 1 करोड़ पे टैक्स निकाले और 1 करोड़ से ऊपर जितनी भी इनकम है उसको ऐड कर दे, यानी टोटल इनकम माइनस व्हाट? 1 करोड़। फिर दोनों को कंपेयर करें, दोनों में से जो कम है, दोनों में से जो कम है उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। हाँ, टैक्स देते वक्त ऑलवेज क्या जोड़ना है? एजुकेशन सेस। तो अब छोटा सा सम हमारे जयेश का। जयेश की इनकम है 1,02,00,000। सब लोग मेरे साथ? चलो, स्टेप वन, पहले मुझे रेगुलर टैक्स निकालना है। तो रेगुलर टैक्स निकाला 1,02,00,000 पे, तो 28,00,000 कितना हुआ? 85,000। फिर उसके ऊपर मुझे 15% क्या जोड़ना है? सरचार्ज। तो मैंने जोड़ दिया सरचार्ज। सब लोग मेरे साथ? अब क्या अमाउंट बनी? 33,17,750। स्टेप टू क्या था? करोड़ रुपए पे पहले टैक्स निकालो। तो करोड़ रुपए पे टैक्स आपको मालूम है कितना है? 28,25,000 फिक्स अमाउंट है। अब करोड़ के ऊपर जो कमाया गवर्नमेंट को दे दो, नहीं चाहिए मुझे। कितना कमाया करोड़ के ऊपर? 2,00,000। तो 2,00,000 जोड़ दो तो अब अमाउंट कितनी बनी? 30,25,000। अब आप कौन सी पे करना पसंद करेंगे, पहली वाली की स्टेप टू वाली? बॉड ऑब्वियस, कौन सी वाली? विच एवर इज लोअर। तो विच एवर इज लोअर क्या बनेगा? 30,25,000। उसके अंदर क्या जोड़ दो आप? एजुकेशन सेस। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो एक बार एग्जाम में कुछ लोग क्या करते हैं, लिमिट डालते हैं, यहाँ तक मार्जिन रिलीफ मिलेगी, उस अमाउंट के ऊपर मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी। ये लिमिट बहुत भ्रमित करने वाली लिमिट है। क्यों? ये लिमिट तभी काम करेगी जब टैक्स रेट 10, 20, 30 स्लैब वाले हैं। मान लो किसी का 1.5 करोड़, सॉरी, किसी का 1,05,00,000 का अकेला लॉन्ग टर्म गेन है, तो टैक्स रेट क्या होगा लॉन्ग टर्म गेन को लेकर? 20%। तो उसकी कोई लिमिट आएगी मार्जिन रिलीफ वाली, वो अलग आएगी, इसलिए वो आपको भ्रमित करने वाली। इसलिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है, हमारे नवरात्रि के स्टेप खेलने, चार स्टेप आप खेल लो। 1 करोड़ 1,05,00,000 के आजूबाजू इनकम है, ये स्टेप खेल के क्या कर लो? खेल खत्म कर लो। यू विल नेवर गेट ए रॉन्ग आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एजुकेशन सेस। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कभी कभी, इनिशियली आईपीसी में पढ़ते हैं तब, कि सर वो फॉर्मेट क्या रहेगा? तो आपके लिए फॉर्मेट डाल दिया, पहले इनकम टैक्स निकालने का, फिर उसके ऊपर क्या ऐड करने का? सरचार्ज ऐड करने का, फिर सबका टोटल करने का, यानी सब टोटल, फिर उसके ऊपर क्या जोड़ने का? एजुकेशन सेस। अब एजुकेशन सेस अलग अलग प्रकार के हैं, एक 2% है, एक 1% है, आप चाहे तो तीनों जोड़ सकते हैं, 3% साथ में जोड़ सकते हैं सीधा, कोई तकलीफ नहीं। और फाइनली आपका क्या बन जाएगा? टैक्स पेएबल। याद रहे, एजुकेशन सेस को लेकर मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी, बी केयरफुल। सिर्फ सरचार्ज को लेकर ही मार्जिन रिलीफ मिलेगी, ठीक है? आई थिंक फंडामेंटल इज क्लियर। तो सारे हमने स्लैब रेट देखे, याद रहें, अगर आपके नॉन रेसिडेंट दादा है या नॉन रेसिडेंट सुपरमैन दादा है तो उनके लिए कोई हायर स्लैब नहीं है। उनके लिए कौन सा स्लैब है? 2,50,000 का, वो कैटेगरी ए में आएंगे। कैटेगरी बी इज फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एंड कैटेगरी सी इज फॉर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। यानी अगर आपके सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंट हैं तो उनको सिर्फ 2,50,000 की ही लिमिट मिलेगी, बी केयरफुल। तो हम साथ साथ नॉन रेसिडेंट भी देख रहे हैं, ठीक है? चलो, अब 87A, सब लोग जागृत अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट इज कौन सा सेक्शन है? 87A। चलो, रिबेट। रिबेट में अमेंडमेंट आया था 2015 में, पढ़े। 87A हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड, आई एम सॉरी, 2016 में अमेंडमेंट आया था, टू प्रोवाइड रिबेट फ्रॉम टैक्स पेएबल। याद रहे, रिबेट किस में से मिलेगा? टैक्स पेएबल। वहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर आफ्टर एजुकेशन सेस, बिफोर एजुकेशन सेस? तो अंडरलाइन करें, बिफोर एजुकेशन सेस।
किसको रिबेट मिलेगा? ध्यान से देखें, जो इंडिविजुअल है उसको ही। और वो बंदा क्या होना चाहिए, अंडरलाइन करे, रेसिडेंट होना चाहिए। और आंख खोल के पढ़े, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड व्हाट 5 लाख। आई रिपीट, टोटल इनकम, क्रॉस टोटल इनकम वर्ड नहीं है। कौन सी इनकम? टोटल इनकम। इसलिए मैंने देखो सम क्या लिखा है, सम में देखो तो आप ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है। सॉल्यूशन देखो तो जरा उसका, और टोटल इनकम कितनी बताई मैंने, 5 लाख से कम। बी केयरफुल। तो हमें क्या देखना है, वर्ड टोटल इनकम। अब रिबेट क्या है? पुराना रिबेट था जो आपका टैक्स पेएबल है वो, या 2000 रुपये, विच एवर इज लेस। अब बजट 16 में अमेंडमेंट करके 2000 को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 5000। तो फाइनली क्या याद रखना है, टैक्स पेएबल और 5000, विच एवर इज लेस, विल बी अलाउड एज रिबेट टू एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट। कोई कंफ्यूजन ये समझने में? वेरी गुड। नेक्स्ट, छोटा सा सम, हमारे एक्स हैं, उनकी ग्रॉस टोटल इनकम, उनकी उम्र है 30 साल, उसके अंदर सैलरी है 535, और इंटरेस्ट सेविंग बैंक से कमाया 8000। तो आंसर में टिक करते जाए, 535, 8000 कमाया इंटरेस्ट, यानी ग्रॉस टोटल इनकम कितना बन गया, 5,43,000। अब हमारे मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने PPF में पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए 50,000 रुपये। तो आपको मालूम है 80C सेक्शन के अंतर्गत आप PPF का डिडक्शन ले पाएंगे, ठीक है? तो 50,000 ATC। और आप थोड़ा याद करें, जोर डालें, IPCC में पढ़ चुके हैं आप, क्या पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कब, कौन सी अमाउंट तक, मैक्सिमम 10,000। यहाँ कितनी आई है, 8,000। तो 8,000 का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। तो फाइनली, आपने क्यों पेज टर्न किया मुझे समझ में नहीं आया, फाइनली टोटल इनकम क्या है, 4,85,000। क्वेश्चन की पहली लाइन देखे, ये बंदा कौन है, रेसिडेंट के नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, तो बोलो उसको क्या टैक्स में से रिबेट मिलेगा, जरूर मिलेगा। रीड नेक्स्ट पेज, बहुत छोटा सा समय, टैक्स कैलकुलेट किया है, 10% स्लैब में है ये बंदा, आई थिंक उसके अंदर बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रिबेट पक्का मिलेगा 5,000 रुपये। टैक्स बन गया 18,500, उसके ऊपर 3% आपने जोड़ दिया। कुछ बच्चे राउंड ऑफ नहीं करते हैं सॉल्यूशन, तो फिर क्या होता है, पेपर चेकर मार्क राउंड ऑफ करते हैं, तो बी केयरफुल, राउंड ऑफ करने की आदत डालें। कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन है, राउंड ऑफ कैसे करना है, राउंड ऑफ दोनों लेवल पे करना है, इनकम लेवल पे और टैक्स लेवल पे। और क्या ध्यान रखना है, लास्ट फिगर अगर 5 या उससे ज़्यादा है, 5 और ऑन हायर साइड, तो यू शुड राउंड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ 10 ऑन विच साइड, हायर साइड। तो यहाँ देखो टैक्स हैं 19,055, तो उसको राउंड ऑफ करना है 19,060। क्लियर, नो कन्फ्यूजन। अब एक दूसरा सम, छोटा सा, हमारे एक्स, उम्र है 35 साल, उनके पास सिर्फ 12 लाख रुपए बिजनेस इनकम है, और आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बताइए। अब बोलेंगे सर आप ये क्या लेकर बैठ गए हैं IPCC के सम, लेकिन याद रहे ये सम कुछ इंटेलिजेंसी के साथ लिखे गए हैं, जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़े, कन्फ्यूजन्स जीरो हो जाए, जीरो, कोई कन्फ्यूजन बचे ही नहीं। कितनी इनकम है, बिजनेस इनकम सिर्फ 12 लाख रुपए, कोई तकलीफ ये समझने में? 12 लाख टैक्स निकालेंगे, क्या होगा, स्लैब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फर्स्ट स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख 25,000 रुपये, फिर 5 लाख से 10 लाख का 20% डिफरेंस का निकालेंगे तो 1,00,000 रुपये, और 10 लाख से ऊपर यहाँ 2 लाख हैं, उसके 30% 60,000। ध्यान से देखें, सब टोटल हुआ 1,85,085। रिबेट मिलेगा यहाँ? नहीं। तो क्या करें, थिंकिंग प्रोसेस में रहे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो याद ही नहीं करते हैं, एग्जाम बाहर निकलते हैं एग्जाम देने के बाद, और बाहर बात, ए यार फ्रेंड्स के बात, रिबेट लेना रह गया, कोई बात नहीं, पेपर चेकर रिबेट दे देगा 2-3 मार्क का। तो ध्यान रहे, थिंकिंग कंटिन्यूसली रखें कि टैक्स आया तो रिबेट के बारे में पक्का सोचें, रिबेट कब मिलता है, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, हियर व्हाट हैपन, टोटल इनकम एक्सीडेड 5 लाख, उसके ऊपर फिर क्या जोड़ दे, एजुकेशन सेस, क्लियर, सरचार्ज भी ना भूले, सरचार्ज कब लगता है, करोड़ से ऊपर है तो यहाँ सिर्फ कितनी इनकम है, 12 लाख, तो फॉर्मेट दिमाग में रखें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 112, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
सेक्शन 112 की हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, बहुत क्रूशियल है, समझ लिया तो आसान हो गया, कंफ्यूजन जीरो हो जाएंगे, रिपीटली बोल रहा हूं मैं, पढ़े। नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी टैक्स एट व्हाट रेट? 20% अंडर विच सेक्शन? 112, ठीक है। बट अगर आपकी बाकी इनकम, अंडरलाइन करें, एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो टू दैट एक्सटेंट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शिफ्ट करना है बाकी इनकम के साथ, और फिर जो बचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके पर 20% टैक्स देना है। इसको पॉपुलरली बोलते हैं शिफ्टिंग बेनिफिट। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग बेनिफिट। तो प्राइमरी क्या सेक्शन बोलती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का स्पेशल टैक्स रेट है। स्पेशल टैक्स रेट क्या है? 20%। यानी आपको कोई स्लैब लैब नहीं देखने, सीधे सीधे लॉन्ग टर्म गेन टैक्स रेट इज व्हाट? 20%। सब लोग मेरे साथ अब पढ़े एक छोटा सा सब। एक्स है हमारे, उम्र है उनकी 34 ईयर्स, उनके पास ये इनकम्स हैं। सब लोग मेरे साथ, बिजनेस इनकम है 11.5 लाख, LTCG है 1 लाख रुपए, और उन्होंने PPF में इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बताइए। पहले मुझे क्या तय करना होगा? टोटल इनकम। क्या तय करना होगा? टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होगी? 11.5 + 1, यानी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई? 12.5। 12.5 में से आप 50 हटाओ, क्या हुआ? 12 लाख। अब ध्यान से देखें, बोर्ड पे देखें, यहां मैंने सॉल्यूशन आपके लिए टाइप करके दिया है, पर फिर भी बोर्ड पे देखें। जब भी कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है और आप टैक्स तय कर रहे हैं, तो आप इस तरह कैलकुलेट करें, टोटल इनकम कितनी यहां है? 12 लाख रुपए। जब भी कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है तो दिल के टुकड़े दो हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, इधर वाला स्पेशल रेट LTCG और बाकी बचा बैलेंस इनकम। आदत डालें ये करने की, सीधे सीधे कैलकुलेटर में ये ना काम करें। जो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं उसमें गलती कम होगी या ऑलमोस्ट नहीं होगी। चलो LTCG यहां कितना है बताओ तो मुझे? 1 लाख रुपए। आप बोलेंगे सर PPF LTCG के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो आप पढ़े थे IPCC में, क्या पढ़े थे? कि जो स्पेशल रेट वाली इनकम है उसके सामने आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब बैलेंस इनकम क्या हुई? 12 में से, ध्यान से देखें, इस तरह यहां देखना है, 12 में से 1 लाख चला गया, तो व्हाट इज द बैलेंस इनकम? 11 लाख। क्लियर? अब इसके पर टैक्स रेट कौन सा लगेगा? 20%। और यहां टैक्स रेट कौन सा लगेगा? स्लैब रेट। ये अमाउंट बनेगी आपकी 1 लाख पे 20,000, और आप स्लैब निकालेंगे 11 लाख का, तो 1,55,000, क्योंकि 10 लाख तक तो 1,25,000 आपको टैक्स मालूम है, और ये 11 लाख यानी 10 लाख के ऊपर कितना गया? 1 लाख। 1 लाख का 30% क्या हुआ? 30,000। अब ये दोनों को जोड़ दें, ये दोनों को जोड़ दें, तो व्हाट इज योर टैक्स? 1,75,000। उसके पर फिर क्या करें? रिबेट याद रखें, रिबेट यहाँ होगा नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि टोटल इनकम क्या है? 12 लाख। सरचार्ज नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इनकम डज नॉट एक्सीड, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो सीधा आप क्या ऐड करेंगे फिर? एजुकेशन सेस 3%, और जो भी बनेगा वो आपका टैक्स लायबिलिटी। अब स्पेशल रेट की इफेक्ट क्या है, अब समझ में आया? पिछला वाला सम देखें, सम नंबर 2, कितनी इनकम थी? 12 लाख। बैठ रहा है दिमाग में? सिर्फ कौन सी इनकम थी? बिजनेस इनकम। और यहां क्या हुआ? 12 लाख दिख रहा है, यहां भी आप बोर्ड पे देखो दो टुकड़े हैं, एक स्पेशल वाली एक जनरल वाली। अब आप देखो तो लास्ट सम में प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या था टैक्स आपका? बिफोर एजुकेशन सेस टैक्स क्या था? 1,85,000, और यहां देखें तो बोर्ड पे 1,75,000। 10,000 बच गए, क्यों? क्योंकि लाख रुपए 2 नंबर के सम में 30% से टैक्स हुए थे, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख थी, तो लाख रुपए कौन से रेट से टैक्स हुए थे? 30% से। लेकिन यहां लाख रुपए कौन से रेट से टैक्स हुए? स्पेशल रेट। कौन सा रेट?
स्पेशल 20%, तो कितना सेविंग हो गया, लाख पे 10%, 10,000 का, आई थिंक क्लियर ये सम, तो स्पेशल रेट की इफेक्ट ही है। इसलिए आप कैलकुलेटर में ना करें, इस तरह आप दिल के टुकड़े दो करके करें, कोई गलती नहीं होगी और कोई टेंशन नहीं। आप वर्किंग नोट दिखा सकते हैं टैक्स कैलकुलेशन की, हाँ थोड़े मैंने यहाँ थोड़े अच्छी तरह दिल के टुकड़े किए हैं, आप जरा परफेक्टली एकदम स्क्वायर फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सम, प्रैक्टिकल नंबर 4, मेरे साथ रहिए आप। हमारे एक्स, आप थोड़े थकेंगे लेकिन यू विल लर्न इन डेप्थ वेरी क्लियरली। हमारे एक्स उम्र है 40 साल की, अभी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं और उनकी इनकम है 3,10,000 और छोटा सा समय उनकी टैक्स लायबिलिटी निकाले, कुछ नहीं, सिर्फ कौन सी इनकम, बिजनेस इनकम कितनी, 3,10,000। सब लोग मेरे साथ, अब क्या होगा, टैक्स, सॉरी 3,40,000, तो अब टैक्स क्या होगा, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 से 3,40,000, यानी कितना डिफरेंस आया, 90,000, 90,000 पे 10% कितना टैक्स बनेगा, कितना टैक्स बनेगा, 9,000। अब मुझे बताओ टोटल इनकम क्या 5,00,000 से कम है, तो क्या रिबेट मिलेगा, पक्का मिलेगा, कितना रिबेट मिलेगा, 5,000 का, तो बैलेंस कितना बच गया, 4,000, उसके अंदर क्या जोड़ दो, एजुकेशन सेस, तो यहाँ टोटल इनकम है 3,40,000। अब नेक्स्ट सम, बी केयरफुल, बी विथ मी, पॉइंट नंबर 5, हमारे मोहन हैं, अब वो भी कुछ डेटा आपको देना चाहते हैं कि मेरा भी टैक्स निकाल के दीजिए, और मोहन आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई मैं रेसिडेंट हूँ तो मेरा टैक्स क्या बनेगा, और मैं नॉन रेसिडेंट बनूँ तो मेरा टैक्स क्या बनेगा, ठीक है, हम पहले रेसिडेंट की बात करेंगे। चलो, मोहन ने कमाया हाउस प्रॉपर्टी से 2,70,000, आंसर में टिक करें। फिर मोहन ने लॉन्ग टर्म गेन कमाया 1,00,000 रुपए, सब लोग मेरे साथ, और मोहन ने पीपीएफ में इन्वेस्ट किए 30,000 रुपए, और मोहन है हमारे रेसिडेंट, और वो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा टैक्स क्या निकलेगा, मुझे बताइए टैक्स क्या होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, ठीक है। बोर्ड पे देखें, पहले हमें क्या तय करना होगा, टोटल इनकम, बोलो क्या होगी टोटल इनकम, तो पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, बोलो क्या है ग्रॉस टोटल इनकम, 3,70,000, उसमें से 30,000 पीपीएफ गया, तो यहां मोहन की इनकम है 3,40,000। अब बोर्ड पे देखो, जब भी कोई स्पेशल रेट वाली इनकम दिखती है, दिल के टुकड़े दो करें। पहला चांस किसको दे स्पेशल रेट वाले को, हर वक्त मैं बोलता हूं कि मान लो एक लड़का 5 लड़कियों से घिरा हुआ बैठा है स्कूटर पे और वो मस्ती मजाक कर रहा है, और थोड़ी मिनट में उसकी जिसके साथ एंगेजमेंट हुई वो लड़की सामने से उसको मिलने आ रही है, तो लड़का क्या हो जाएगा, पहले फटाफट खड़ा हो जाएगा और उसको रिसीव करने जाएगा, तो जो लड़की जिसके साथ एंगेजमेंट हुआ है दैट इज स्पेशल पर्सन, तो यू शुड गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू विच पर्सन, स्पेशल पर्सन, समझ में आया, विच इज नेचुरल। इसलिए आपको कॉर्ड भी बताती है कि स्पेशल प्रोविजन कंट्रोल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट जनरल प्रोविजन, ठीक है। चलो, अब LTCG कितना है, बोलो क्वेश्चन में देख के बताओ, 1,00,000, वेरी गुड। व्हाट इज बैलेंस इनकम, बैलेंस इस कॉन्टेक्स्ट में निकालना है, कुछ बच्चे क्वेश्चन करके बैलेंस निकालते हैं, 3,40,000 में से 1,00,000 हटाओ तो व्हाट इज बैलेंस इनकम, 2,40,000। अब ये सब में कुछ दिमाग यूज करना पड़ेगा, क्या बैलेंस इनकम स्लैब एग्जेम्पशन से क्या है, कम है। उम्र क्या है हमारे मोहन की, रेसिडेंट है हमारे मोहन, और मान ले सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उनको स्लैब क्या लगेगा, 2,50,000, यहाँ कितना है, 2,40,000, तो कितना कम पड़ रहा है, 10,000, 2,50,000 करने में। हमने क्या पढ़ा था अर्लियर पेज पे देखें, पेज 6 पे क्या पढ़ा था बॉक्स में, अगर बॉक्स में सेक्शन 112 में, अगर आपकी अदर इनकम इज लेस देन विच लिमिट,
बोलो एग्जेम्पशन लिमिट तो टू दैट एक्सटेंट, तो बोलो कितनी कम पड़ रही है, 10,000 टू दैट एक्सटेंट। वो बोलते हैं आप शिफ्ट कर लो, आई रिपीट, स्विफ्ट गाड़ी में नहीं बैठो, स्विफ्ट कर लो, 10,000 यहां से स्विफ्ट कर लो कि शिफ्ट कर लो। अब आगे पढ़े, अब पढ़ना बंद मत करें। बाकी जो कैपिटल गेन बचा, कितना बचा बोर्ड पे देखे, 90,000, उसके ऊपर टैक्स रेट कौन सा लगाना है। कुछ बच्चे यहां 10% लगाते हैं कि पहले स्लैब में है ना, टोटल इनकम 340 है, गलत काम कर रहे हैं, ये स्पेशल रेट है, स्पेशल रेट आपको स्पेशली हिट करेगा। यहां कौन सा रेट, 20%, समझ में आया। तो यहां टैक्स क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली व्हाट इज द अमाउंट, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% इज 18,000, और यहां आपकी टोटल इनकम बनेगी 2,50,000, और 2,50,000 पे आप लगाएंगे स्लैब रेट, तो यहां टैक्स बनेगा नीले गगन के तले नील, 18,000 और नील को जोड़ेंगे तो बनेगा 18,000, रिबेट मिलेगा, यस, क्योंकि रेसिडेंट है, बी केयरफुल। तो आई थिंक यू आर क्लियर, 5,000 का रिबेट मिलेगा, बचा कितना, 13,000, 13,000 पे 3% जोड़ने। तो अब ये सम प्रैक्टिकल 5 और 4 को कंपेयर करें। चलो प्रैक्टिकल 4, क्या इनकम थी प्रैक्टिकल 4 में, हमारे एक्स 40 साल के थे, क्या इनकम थी, 3,40,000, वहां टैक्स कितना था बिफोर रिबेट, 9,000, बिफोर रिबेट कितना था 9,000, और यहां भी इनकम कितनी है बोर्ड पे देखे, 3,40,000, और यहां टैक्स क्या है बिफोर रिबेट, डबल 18,000। इसका मतलब कि जो स्पेशल रेट है छोटे आदमी को डबल रेट से हिट करेगा। हमने एक सम देखा 12,00,000 वाला, 2 और 3, उसमें क्या हुआ, जिसकी इनकम ज्यादा थी उसको फायदा हो गया 10,000 का, यहां नुकसान हो गया बेचारे, जिसकी इनकम कम है उसको हिट करेगी वही 90,000 टैक्सेबल है। देखो अल्टीमेटली किसके पर आप टैक्स दे रहे हैं, 90,000, सम नंबर 4 में भी किसके पर टैक्स दे रहे थे, 90,000, वहां 10% का स्लैब था 9,000, यहां 90,000 कौन से रेट से हुए, 20%। तो दिस इज द स्पेशल रेट इफेक्ट, इसलिए एग्जाम में ध्यान रखें। आप आईपीसी में कैसे ये सम करते हैं मालूम है, 340 फैकल्टी बोलती है, 340 में से 2.5 घटाओ, कितने बचे 90, उसके पर 20% सीधा, नेवर डू दिस। व्हाट लॉस इज, बाकी इनकम अगर 2,50,000 से कम है तो क्या करें, उसको शिफ्ट करें, आंसर वही निकलने वाला है, और जो बचा कैपिटल गेन वो कौन से रेट से, 20% से। इज इट क्लियर, नो कंफ्यूजन। अब मजे की बात है, हमारे मोहन नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा, अब ध्यान से सुने, नॉन रेसिडेंट हो गए तो क्या होगा, शिफ्टिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट, शिफ्टिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी बोर्ड पे देखें ये 10,000 शिफ्ट किए, वो नहीं शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा, 1,00,000, 1,00,000 पे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 20%, तो आंसर में देखिए 20,000। और याद रहे, याद रहे, ये कौन है, नॉन रेसिडेंट, तो रिबेट भी नहीं मिलेगा। बी केयरफुल, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों में कि सर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को स्लैब नहीं मिलता है, गलत, स्लैब बेनिफिट मिलता है, क्या नहीं मिलता है, शिफ्टिंग, अगर स्लैब में कुछ कमी रह जाती है कुछ इनकम की तो वो यहां से स्पेशल रेट से शिफ्ट नहीं कर सकते। देखो आप प्रेजेंटेशन देखो, 2,40,000 पे मैंने टैक्स क्या लिखा है, नील, क्यों, स्लैब रेट का बेनिफिट दिया, लेकिन जो 10,000 बच गए थे वो हमने शिफ्टिंग का बेनिफिट नहीं दिया। तो आप नोट्स को अंडरलाइन करें, नोट 1, नॉन रेसिडेंट कैन नॉट गेट विच बेनिफिट, शिफ्टिंग बेनिफिट, एंड नोट नंबर 2, नॉन रेसिडेंट कैन नॉट अवेल व्हाट, रिबेट अंडर विच सेक्शन, 87A। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, नो कन्फ्यूजन। नेक्स्ट, आपको परेशान करने वाला छोटा सा सम, ऐसे तो आईपीसीसी के लिए लिखा था लेकिन आप भी थोड़ा याद कर लें क्योंकि गलती ना करें एग्जाम में कहीं। चलो एक्स हमारे हैं, उम्र है क्या, ध्यान से पढ़े, 62, और क्या हो, स्टेटस है उनका, रेसिडेंट। ही प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म गेन क्या है, 10,00,000, टेंशन इनकम, ओ सॉरी पेंशन इनकम कितनी है, 90,000, पीपीएफ में उन्होंने पैसे लगाए हैं 70,000,
LIC प्रीमियम में पैसे लगाए हैं 82,000। अब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी ढूंढ के बताइए। मैं अब सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ। कुछ बच्चे पन्ने घुमा रहे हैं, पहले तो टोटल इनकम के बारे में सोचे। चलो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी? लॉन्ग टर्म 10 लाख, पेंशन 90,000, तो ग्रॉस टोटल इनकम 10,90। अब PPF और LIC मिलकर कितना इन्वेस्ट किया है? 1,52,000। आपको मालूम है ETC, CCC, CCD मिलके कितनी लिमिट आएगी? 1,50,000। तो कितना माइनस करना है 10,90 में से? 150। मोमेंट यू डू दैट यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10,90 से हटाओ तो सिर्फ कौन सी इनकम बची? पेंशन। तो रिडक्शन आप सिर्फ कौन सी इनकम के सामने ले पाएंगे? पेंशन इनकम के सामने। तो प्रैक्टिकली आप 1.5 लाख ले सकते हैं, लेकिन आपकी पेंशन इनकम अकेले कितनी है? 90। इसलिए आपका डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो आप आंसर पढ़ें, बी केयरफुल। कभी कभी क्या होता है, लिमिट के अंदर लिमिट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैप सम। नहीं, हम पढ़ते हैं कि ये बंदा ट्रैप में आ गया और बैंक में पैसे डाल दिए, किसी के साथ बात कर दिया, किसी ने बोल दिया यहाँ पैसे डालो वो करो, हम अपने साथ में रहने वाले हैं और पैसे डाल दिए, ट्रैप। फिर मालूम पड़ा कि कोई बोगस कॉल था, कोई बोगस बातें थी, ऐसी ट्रैप सम है। पहले 1.5 लाख की लिमिट लगाई तो दिमाग में क्या आएगा, 1.5 लाख माइनस कर दो। लेकिन दूसरी अपर कैप क्या है, नोट पढ़ें। क्लियर? नोट क्या लिखी है? ऑल कंट्रीब्यूशन टू PPF LIC विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? ATC। वो बन रहा है 1,52,000, मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख। बट आगे क्या लिखा है, नो डिडक्शन कैन बी क्लेम अगेंस्ट विच गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसलिए मुझे ATC रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ओनली अगेंस्ट विच इनकम? रिमेनिंग इनकम। रिमेनिंग इनकम क्या है? क्लियर? नो कंफ्यूजन? अब बोर्ड पे देखें वापिस, टोटल इनकम कितनी बनेगी? ट्रैप सम है या पूरा? टोटल इनकम कितनी बनेगी बोलो? 10 लाख। अब कोई लिखता ही नहीं आपके लिए ऐसे सम, तो आपको क्लैरिटी नहीं बढ़ती आपकी। बोलो टोटल इनकम 10 लाख, बोर्ड पे देखे मेरे साथ बोलो। LTC जी उसमें कितना? पूरा 10 लाख। तो बैलेंस इनकम कितना? जीरो। वेरी गुड, निल। बोलो अब क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में बच्चे क्या गलती करेंगे, कितना शिफ्ट करेंगे? 2.5 लाख। गलत। ये बंदा कौन है? 62 ईयर्स। तो एक और ट्रैप। कौन है? 62। तो बेसिक एग्जम्पशन क्या है उसका? 3 लाख। तो मुझे शिफ्ट कितना करना है इस तरफ? 3 लाख। समझ में आया? और यहां से क्या हटाना है? 3 लाख। सिंपल। और जो बचा 7 लाख, उसके पर आप टैक्स देंगे कौन से रेट से? 20% से। और वहां तो 3 लाख पे स्लैब रेट क्या बन जाएगा? निल। बोलो रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इनकम क्या है बोर्ड पे देखें? 10 लाख। आई थिंक क्लियर। अब सेक्शन 112 की ये बिगिनिंग थी, अभी तो शुरू हुई है सेक्शन 112। सब लोग जागृत अवस्था में, धीरे धीरे हम एक एक टफ इशू पे जाते रहे। अब पढ़े तो आप, और कुछ एक बॉक्स है आपके सामने, ऑप्शन दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर। क्या दिया गया है? प्रैक्टिकल 7 के ऊपर ऑप्शन। सब लोग मेरे साथ? वहां ऑप्शन है कि आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 10% टैक्स लेंगे। एक प्रोवाइजो है, ऐसे बहुत सारे प्रोवाइजो हैं। हम अभी IPCC लेवल के प्रोवाइजो पढ़ रहे हैं, याद रहे। कौन से लेवल के? IPCC लेवल के प्रोवाइजो। क्या बोलता है? अगर आपने लिस्टेड शेयर बेचे लॉन्ग टर्म, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। आप बोलेंगे सर लिस्टेड शेयर में तो लॉन्ग टर्म एग्जेम्प्ट रहता है, ये 10% की आप क्या बकवास कर रहे हैं? थोड़ी शांति रखें पहले। क्या बेचा आपने? लिस्टेड शेयर। कितने परसेंटेज? 10%। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ही काम बनेगा। अगर आपके दिमाग में प्रोसेसिंग रखेगा कि कुछ गलत जा रहा है, आप मुझे सुनते रहिए, फिर आपके सारे जो भी कन्फ्यूजन है वो निकल जाएंगे। इसलिए तो ये लेक्चर आज अटेंड करना है। लिस्टेड शेयर 10% ऑप्शन, लिस्टेड सिक्योरिटी 10% का ऑप्शन 20 की बजाय, जेम्स बॉन्ड
ओह सॉरी 0.1 अंडरलाइन करें ब्रैकेट में, वेदर लिस्टेड और नॉट। अब 10% का ऑप्शन वो देंगे आपको टैक्स का, लेकिन कुछ छीन लेंगे। क्या कुछ छीन लेंगे? इंडेक्सेशन नहीं देंगे। 10% का ऑप्शन का आपको बेनिफिट लेना है तो याद रहे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब याद रहे ये ऑप्शन है, ऑप्शन एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम टैक्स कैलकुलेशन। आप जो पढ़ रहे हैं वो किसका हिस्सा है? बोर्ड पे ध्यान दे, सेक्शन 112 का वो प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है कि नॉर्मली 112 सेक्शन में लिखा है कि टैक्स 20%, लेकिन हम आपका कितना लेंगे? 10%। बट क्या छीन लेंगे? इंडेक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे। ये ऑप्शन कब आएगा? एट अ टाइम ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। आप बोलेंगे सर क्यों आप इसके पर जोड़ दे रहे हैं, ये ऑप्शन कब लेना है? टैक्स कैलकुलेशन के वक्त, टोटल इनकम तय करते वक्त नहीं। टोटल इनकम तय करते वक्त तो मुझे रूटीन में सारे हेड की इनकम तय करनी है, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन। अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट है तो हम कैपिटल गेन तय करते वक्त क्या करते हैं? इंडेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो तब तो टोटल इनकम तय करते वक्त मुझे क्या करना है? इंडेक्शन देना ही है, पहले मुझे टोटल इनकम तय करनी है। जब मैं टैक्स कैलकुलेशन स्टेज पे आऊंगा तब मुझे क्या सोचना है? ऑप्शन के बारे में सोचना है। इसलिए बहुत बड़ा सम विच वॉज टेस्टेड इन CWA स्लाइटली मॉडिफाइड, पढ़े तो आप प्रैक्टिकल नंबर 7। सब लोग मेरे साथ एकदम क्लियर? चलो, जुलाई 16 को एक्स ने ये शेयर्स बेचे, इक्विटी शेयर्स ए लिमिटेड के बेचे, लिस्टेड है। बी लिमिटेड के शेयर बेचे, लिस्टेड है, और सी लिमिटेड के शेयर बेचे जो नॉन लिस्टेड है। अंडरलाइन करें, नॉन लिस्टेड। अभी थोड़ी मिनट के लिए सेक्शन 1038 को भूल जाइए कि सर लॉन्ग टर्म गेन एग्जेम्प्ट का, उसको अभी दिमाग से निकाल दें, पहले मेरे साथ बने रहिए। अब सबके कंसिडरेशन दिए गए हैं कि क्या, कौन से भाव से बेचा, क्या कॉस्ट थी, वो सारी कॉस्ट लिखी है, फिर इसकी इंडेक्स कॉस्ट भी आपको दे दी गई है, यानी आपको कोई इंडेक्शन करने की अब जरूरत नहीं है। अब ये हमारे जो एक्स हैं उनकी 786,000 रुपये उनकी इनकम है, अंडरलाइन करें अदर सोर्सेज से। एक्स ने 50,000 रुपये PPF में डाले हैं और सवाल पूछा गया है कि एक्स की टैक्स लायबिलिटी निकालें AY 17-18 को लेकर, और कुछ एजम्पशन है कि लिस्टेड शेयर उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेचे हैं, अंडरलाइन करें दे आर सोल्ड आउट आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज, उसको अंडरलाइन करें। सब लोग मेरे साथ? तो पहला काम मुझे क्या करना होगा? टोटल इनकम तय करनी है। कितने हेड दिख रहे हैं आपको? दो, एक कौन सा? कैपिटल गेन, दूसरा अदर सोर्स। सब लोग मेरे साथ? अब कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? याद रहे लॉन्ग टर्म है तो कैसे निकालेंगे? आफ्टर गिविंग इंडेक्सेशन। अभी हम क्या तय कर रहे हैं? टोटल इनकम। टोटल इनकम मीन्स कितने हेड? पांच। पांच में एक हेड कौन सा? कैपिटल गेन। उसके अंदर लॉन्ग टर्म एसेट बेचा तो वो नॉर्मली क्या बोलता है? क्लेम इंडेक्सेशन। तो अभी हमें सारे इंडेक्सेशन के अमाउंट माइनस करते करते, चलो वर्किंग नोट वन देखें। ए लिमिटेड का लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना आया? 5 लाख में से मैंने घटाया 2,42,293 मैंने घटाया इंडेक्स कॉस्ट, तो फाइनल गेन बना कितना? 2,57,707। ठीक है। फिर बी लिमिटेड 10,25,000 में बेचा था, इंडेक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 9,51,280, तो बचा कितना? 73,720। उस तरह सी लिमिटेड 6,89,000 में बेचा आपने, इंडेक्स कॉस्ट माइनस किया तो आपका गेन बचा 5,26,443। यानी तीनों जोड़ दें तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 857,870। अब क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा था? क्या इनकम है अदर सोर्सेस की? 7,86,000, तो उसको जोड़ दें। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, और PPF कितना किया था? 50,000। तो व्हाट इज द टोटल इनकम? उसी पेज पे आई एम सॉरी, उसी पेज पे व्हाट इज द टोटल इनकम? 15,93,870। सब लोग मेरे साथ? अब इसके अंदर मुझे बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, हाँ क्या ना, तो दिल के टुकड़े क्या करने पड़ेंगे?
दो, एलटीसीजी और बैलेंस इनकम, समझ में आया? एलटीसीजी क्या लिखेंगे आप? 857, 870 और बाकी इनकम अपने आप निकल आएगी। क्या निकल आएगी? 7,36,000। अब एलटीसीजी पे टैक्स कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से सुने और बोर्ड पे देखें, हम कौन से स्टेप में पहुंच गए हैं? टैक्स कैलकुलेशन। सब लोग मेरे साथ, जब हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेक्शन 112 क्या बोलती है? प्रोविजो कि आपको 10% का ऑप्शन मिल सकता है। बैठा कि नहीं दिमाग में? अब कॉन्सेंट्रेट करें आप बोर्ड पे और साथ साथ आपकी हाथ में जो नोट्स हैं उसके अंदर बोलो। टोटल इनकम क्या है? 1,593,870। दिल के टुकड़े क्या करेंगे? दो। यहां बैलेंस इनकम है आपकी 736। वो कैसे निकालनी है? एलटीसीजी लिख के। एलटीसीजी क्या है? 857,870। सब लोग मेरे साथ, अब यहां तो कोई तकलीफ है ही नहीं। वो जाएगा कौन से रेट से? स्लैब रेट से। यहां आपको तीन हिस्सों में ये है, मैंने वर्किंग नोट रखा है अच्छी तरह से। एक क्या है? ए लिमिटेड, कौन से शेयर है? लिस्टेड। दूसरा क्या है? बी लिमिटेड, कौन से शेयर है? लिस्टेड। और तीसरा क्या है? सी लिमिटेड और क्या है? अनलिस्टेड। सब लोग मेरे साथ, अब याद रहे क्या बोल रहा हूं मैं हर वक्त, टैक्स कैलकुलेशन के वक्त ऑप्शन है। तो यहां मैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, सब लोग मेरे साथ, ऑप्शन 1 मैं ले रहा हूं कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन। क्या ले रहा हूं? कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन। तो आप अर्लियर पेज पे देखें, आपका कैपिटल गेन क्या है आफ्टर इंडेक्सेशन? 257,707। ठीक है, बी लिमिटेड का कैपिटल गेन क्या है? 73,720। और सी लिमिटेड 526,443। अब ये आफ्टर इंडेक्सेशन है तो टैक्स क्या लगेगा? 20%। क्लियर? अब 20% टैक्स निकालेंगे आप तो यहां अमाउंट बनेगी 51,541। यह अमाउंट बनेगी 14,744। यह अमाउंट बनेगी 105,289। ठीक है, ये ऑप्शन 1 बोर्ड पे ध्यान दे, आफ्टर इंडेक्सेशन। ऑप्शन 2 विदाउट इंडेक्सेशन। अब क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्वेश्चन पे ऑप्शन 2। चलो, विदाउट इंडेक्शन इसका मतलब किसका डिफरेंस निकालने का? कॉस्ट और सेल के बीच का डिफरेंस, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट। चलो, ए लिमिटेड सेल वैल्यू कितनी है? कितनी है? 5,00,000। और कितनी कॉस्ट थी? 26,000। तो कितना डिफरेंस आया? 474। तो बोर्ड पे देखें, मैं कैपिटल गेन निकाल रहा हूं 474 विदाउट इंडेक्सेशन। चलो, फिर बी लिमिटेड बोलो डिफरेंस निकाले, 10,25,000 में बेचा और कॉस्ट क्या है? 1,10,000। तो कितना अमाउंट आया? 9,15,000। ऑल आर विथ मी? तीसरे में डिफरेंस निकाले? मत निकाले डिफरेंस। क्या है ये शेयर? अनलिस्टेड ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। लेकिन मैकेनिकली हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं डिफरेंस, इसलिए मैंने लिखा है अनलिस्टेड है। सब लोग मेरे साथ, अब कुछ मैं बड़ी बात करने वाला हूं, यह थोड़ा अटेंशन रहे। यहां टैक्स कितना लगेगा? 10%। बोलो, इसका 10% क्या होगा? 47,400। यहां 91,500 और यहां नॉट एप्लीकेबल। अब बोर्ड पे देखे, यहां कितना टैक्स दिख रहा है आपको? ऑप्शन 1 में 51,000, यहां कितना है?
47,000, कौन सा चुनेंगे आप? ये वाला। चलो यहां टैक्स क्या दिख रहा है, 14,000 बी लिमिटेड को लेकर, और यहां कितना है 91,500, तो कौन सा चुनेंगे आप? 14,000 वाला। और यहां तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये चुनेंगे आप 1,05,000। और 736 पे स्लैब रेट निकालेंगे तो आपका टैक्स बनेगा 72,200। यहां कौन सी अमाउंट आएगी, यानी आपको एक ये अमाउंट, दूसरी ये अमाउंट, तीसरी ये अमाउंट, और लास्ट कौन सी अमाउंट, ये अमाउंट, सबका टोटल करेंगे तब जाके आपको फाइनल टैक्स मिलेगा। उसके ऊपर आपको क्या जोड़ना है, एजुकेशन सेस। उसके पहले सोचना है रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा। टोटल इनकम क्या है, 15 लाख। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुने क्या महत्व है, क्यों ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। टोटल इनकम आपकी बदलेगी नहीं, टोटल इनकम बोर्ड पे देखे क्या है, 15,93,870। उसमें लॉन्ग टर्म गेन क्या था, 857। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल कैसे तय किया था हमने, आफ्टर इंडेक्सेशन। लेकिन यहां देखे मैं कौन सा ऑप्शन ले रहा हूं, विदाउट इंडेक्सेशन वाला, तो गेन क्या दिख रहा है आपको, 474। तो ये 474 गेन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टोटल इनकम चेंज करनी है। आपके रिटर्न में टोटल इनकम तो कितनी जाएगी, 15,93,000 आफ्टर इंडेक्सेशन वाली जाएगी। हाँ, ये ऑप्शन कब है, टैक्स कैलकुलेशन के वक्त। आप बोल रहे हैं सर क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना, क्यों एक्साइटेड है आप? याद रहे, अगर आपकी टोटल इनकम यहां 1,10,00,000 हो रही है, और अगर ये सारा आप ये ऑप्शन ले रहे हैं और ये ऑप्शन के गेन में रखूं तो आपकी टोटल इनकम बन रही है 94 लाख, तो क्या आपको सरचार्ज लगेगा? तो लगेगा। मुझे टोटल इनकम कौन सी देखनी है, आफ्टर इंडेक्सेशन वाली, यानी मुझे सरचार्ज पक्का लगेगा। इवन दो मैं ऑप्शन वाले गेन ऐड करता हूं, कौन से वाले, तो मेरी टोटल इनकम क्या बन रही है, 1,00,00,000 से कम बन रही है, तो आई कैन नॉट शाउट कि मुझे सरचार्ज नहीं देना है, मुझे टोटल इनकम। ये ऑप्शन कब है, टोटल इनकम तय करते वक्त नहीं, ये ऑप्शन कब है, टैक्स कैलकुलेशन के वक्त। यस, यू गॉट इट नाउ, तो बी केयरफुल। तो ऐसे सम लिखे जा सकते हैं जिसमें आपको फंसाया जा सकता है। आई थिंक यू आर क्लियर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव गिवन अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, द वे आई हैव स्पोकन सेम वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड। ठीक है, तो बी केयरफुल, ये ऑप्शन टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे है। अब एक छोटा सा हम, क्योंकि इसको लेकर भी आईपीसीसी में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और विद कन्फ्यूजन वो फाइनल में टपक पड़ते हैं और फिर मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैंने आपको भी ये छोटा सा डिस्कशन कर दिया आपके साथ। पढ़ो तो, एक्स हमारे 23 साल के जीवन में बस वो कैपिटल गेन के साथ ही खेलते रहते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो कौन सा कैपिटल गेन है, सिंपली लिखा है शॉर्ट टर्म, सिंपली लिखा है क्या, शॉर्ट टर्म, कुछ और नहीं लिखा है। अब बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, सर मैं उसको 111 में डाल दूं, कभी नहीं, शॉर्ट टर्म लिखा है, कुछ लिखा है, हो सकता है उन्होंने प्रॉपर्टी बेचा हो, क्या बेचा हो, उनका कोई घर बेचा हो, कोई छोटा सा वहीं का, मान लो किसी फ्रेंड के साथ घूम रहा था, किसी ने बताया ये मकान अच्छा है खरीद लो, और सामने दूसरा है जो 5 लाख ज्यादा देने वाला है, तो उसने क्या कर दिया, खरीद के किसी को बेच दिया, 5 लाख शॉर्ट टर्म गेन हो गया। ये गेन किसका है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी का, ऐसा मान लो कुछ दिया नहीं है तो सवाल ये उठेगा, ये शॉर्ट टर्म गेन कौन से रेट से टैक्स होगा? तो अगर कुछ भी नहीं दिया है शॉर्ट टर्म गेन, इतना ही लिखा है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्लैब रेट। अगर इंडिविजुअल HUF EOP BI हो तो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, स्लैब रेट। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो इट विल बी टैक्स एट व्हाट रेट, 30%। अगर वो कंपनी है तो इट विल बी टैक्स एट व्हाट रेट, 30%। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो इट विल बी टैक्स एट व्हाट रेट, 40%। तो याद रहे ये सिंपल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कुछ बच्चे क्या करके आते हैं, 5 लाख पे 15% कैलकुलेट करके आते हैं, क्यों, क्योंकि उनको टॉपिंग पसंद है कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खाना है, वेनिला आइसक्रीम नहीं, वेनिला पे ऊपर चॉकलेट टॉपिंग करके आ जाते हैं, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बेचारी इंस्टीट्यूट अकेला प्योर वेनिला आइसक्रीम लिख रही है, लेकिन बच्चे उसके ऊपर चॉकलेट टॉपिंग 111 लिख के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर मैंने तो कुछ गलत तो कुछ नहीं किया। अरे तुमने एजम्पशन कर दिया, जो जरूरी नहीं था वो एजम्पशन कर दिया, एग्जाम में दो दिया होता तो बात बराबर थी, एग्जाम में तो सिंपली लिखा है शॉर्ट टर्म गेन। आई थिंक यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दैट। इसलिए अब देखो मैंने स्लैब रेट डाला है, और यहाँ क्या मजे की बात है, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड व्हाट, 5 लाख, तो क्या मिलेगा आपको, 5,000 का रिबेट। क्लियर?
अब जो आपका टेंशन चल रहा था कि सर ये पिछले सम में आपने लिस्टेड को लेकर ऑप्शन कैलकुलेट किए 10% के और दिमाग खराब कर दिया, तो सर हम तो ऐसा पढ़े थे कि लिस्टेड को लेकर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहता है, तो कब एग्जेम्प्ट रहता है पढ़े, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का जन्म हुआ 2004 में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कब जन्म हुआ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का? 2004 में। क्योंकि हमारे बिजनेसमैन और हमारे प्रोफेशनल्स बहुत पावरफुल थे, जब भी कोई कैपिटल गेन होता था शेयर बाजार से, पता नहीं कहीं ना कहीं से लॉस वो बिजनेसमैन प्रकट कर ही देते थे, और जैसे लॉस हुआ और सामने गेन है तो क्या ले लिया, सेट ऑफ। इसलिए गवर्नमेंट को गुस्सा आया कि लोगों का इतना कैपिटल एप्रिशिएशन हो रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन गवर्नमेंट को फूटी कौड़ी टैक्स नहीं मिल रहा है। जब भी लोग मार्केट बहुत अच्छा काम करता है, बहुत कमाए, तो लोग क्या करते थे, सामने कैपिटल लॉस कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते थे, अरेंज कर ले या फैब्रिकेट कर ले या कुछ भी कर लेते। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या रास्ता निकाला, जैसे आप शेयर परचेस करो या शेयर बेचो, सीधे सीधे हमें आप कौन सा टैक्स दो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दो। और उन दिनों इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया था कि आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसकी टैक्स पे इम्पैक्ट क्या होगी वही आपके सिलेबस में है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट आपके सिलेबस में नहीं। अब कब लगता है पढ़ो, तो बॉक्स दिया है मैंने, वन, अगर आप इक्विटी शेयर परचेज या सेल करते हैं, कहां परचेज या सेल करते हैं, अंडरलाइन करें, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब वो सम समझ में आया, वो बोर्ड पे जो पीछे दिख रहा है वो सम हमने देखा था, लास्ट सम प्रैक्टिकल नंबर 7, वहां मैंने क्या लिखा था, आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज, आपने अंडरलाइन किया था, अब याद आया, तो बी केयरफुल, एकदम क्लियर, जागृत अवस्था में सब लोग आगे बढ़े। फिर आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिए या उसका रिडेम्पशन करवाया, अंडरलाइन करें, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसकी डेफिनेशन है कि हम लोगों ने जो पैसे दिए म्यूचुअल फंड को, उसमें से 65% म्यूचुअल फंड ने पैसे कहाँ लगाए, इक्विटी मार्केट में, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो उसको भी एसटीटी लगेगा। अब एसटीटी लगेगा तो इम्पैक्ट क्या होगी, गवर्नमेंट ने सोचा जैसे आप बाय करेंगे एसटीटी दो, जैसे आप सेल करेंगे तो भी एसटीटी दो, तो गवर्नमेंट बोलती है आप चिंता मत करो, हम आपसे टैक्स तो ले ही रहे हैं, अब इनकम टैक्स नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो हम आपको कुछ रिलैक्सेशन देते हैं। और क्या रिलैक्सेशन दिए, ध्यान से पढ़ें, इंपैक्ट ऑफ एसटीटी ऑन चैप्टर कैपिटल गेन, पहला बोल दिया कि एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी जो टैक्स दे रहे हैं आप बाय करते वक्त और सेल करते वक्त, वो एक्सपेंस का आपको कहीं डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी आप कैपिटल गेन का फॉर्मेट याद करें, सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस, तो आप एसटीटी का एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर आप बेसिक कंसेप्ट याद करें, जब भी मैं कुछ परचेस करता हूं और परचेस के साथ साथ कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो हम किस में डेबिट करते हैं, परचेस कॉस्ट में, तो बोलते हैं एसटीटी जो परचेज वाला है उसको आपको परचेस कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, यू विल नॉट गेट डिडक्शन आइदर एज अ परचेस कॉस्ट और एज अ व्हाट, एक्सपेंस ऑन सेल, क्लियर। हाँ, फायदा क्या दिया, अगर लॉन्ग टर्म गेन हुआ तो जल्द से पूरा क्या कर दिया, एग्जेम, और शॉर्ट टर्म दिया तो वो ट्रिपल वन ए वाला। अब समझ में आया, तो वो लिखते हैं अगर शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन ए, यानी वो चॉकलेट वेनिला आइसक्रीम लिखते हैं तो ही आपको 15% करना है, अकेला प्योर वेनिला लिखते हैं तो आपको स्लैब में डालना है इंडिविजुअल के लिए, क्लियर। और आगे लिखा शिफ्टिंग बेनिफिट इज ऑल्सो अवेलेबल, हाँ याद रहे, नॉन रेसिडेंट को कभी भी शिफ्टिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो याद रखना ही है आपको, किसको नहीं मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को। अच्छा, पीजीपीबी हेड में उसकी क्या इंपैक्ट होगी, वो बोलते हैं आपका जो एसटीटी का खर्च है उसका हम डिडक्शन देंगे, अंडरलाइन करें, अलाउड एज डिडक्शन, पीजीपी में देंगे, कैपिटल गेन में नहीं देंगे, पता नहीं उनका ये मोड बन गया तो उन्होंने लिख दिया। अब दिमाग परेशान है, इसलिए एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी कि सर करेंगे कैसे, इक्विटी शेयर का समय आया तो ये शेयर हमें ही खा जाएगा, तो ये शेयर को कैसे टैकल करें, ऑल आर विथ मी, नेक्स्ट पेज, एनालिसिस, अन्ना हजारे नहीं है, एनालिसिस। चलो, इक्विटी शेयर लिस्टेड है और आपने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचे तो कौन सा टैक्स लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग गया तो लॉन्ग टर्म गेन आपको 10-38 के अंदर क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट, और शॉर्ट टर्म गेन कहां जाएगा, चॉकलेट वेनिला ट्रिपल वने 15%। कोई तकलीफ है संबंध में,
अब हो सकता है कि आपने ये स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचा। अब कुछ बच्चे परेशान है, सर ये कैसे बेच सकते हैं? सिंपल, जैसे आपके खाते में पैसे पड़े और मेरे खाते में वो पैसे की जरूरत है, तो आप मेरे खाते में क्या कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरह डिमेट में आपके पास शेयर पड़े और मुझे वो आपसे खरीदने हैं, तो मैं क्या करूंगा? आप समझो, मुझे शेयर खरीदने हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर मुझे खरीदने हैं, आपके पास डिमेट में शेयर पड़े हैं, डिमेट स्टेटमेंट में आपके पास कौन सी कंपनी के शेयर पड़े हैं? रिलायंस। आपको बेचने हैं, मुझे खरीदने हैं, तो काहे को हम दोनों स्टॉक एक्सचेंज जाएं? क्योंकि अगर मैं जाऊं स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीदने, तो मुझे क्या नुकसान है? मुझे एसटीटी देना पड़ेगा, एक मुझे जिस ब्रोकर के जरिए खरीद रहा हूं उसकी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तो मुझे मेरी परचेज महंगी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या देना पड़ेगा? परचेजिंग एसटीटी एंड परचेजिंग ब्रोकरेज। अब आप सोचो, आपको बेचना है तो आप भी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेच रहे हैं, तो आपको क्या नुकसान होगा? आपको सेलिंग एसटीटी देना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा? सेलिंग ब्रोकरेज। अब आप और हम एक दूसरे को जानते हैं, भरोसा है, तो मैंने यहां आपको चेक काट कर दिया मार्केट भाव से रिलायंस के, और आपने वहां से डिमेट स्लिप मुझे ट्रांसफर करके दे दिया, तो शेयर मेरे खाते में आया, तो यू हैव सोल्ड हाउ? विदाउट स्टॉक एक्सचेंज। आपने मुझे बेचा हाउ? विदाउट स्टॉक एक्सचेंज। अब ये शेयर क्या थे? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। और कैसे बेचे आपने मुझे? आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या होगा? एसटीटी नहीं लगेगा। लेकिन शेयर कौन से हैं? लिस्टेड। रिलायंस के शेयर क्या है? लिस्टेड। अब आपको ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा? हम पढ़ चुके हैं कौन सी सेक्शन पकड़ पाएगी अब, 112। ये सम हम कर चुके हैं, और सम नंबर लिखना है तो लिख दे बाजू में, सम नंबर 7। ये जो हमने किया ना ऑप्शन 1 और 2, वो कौन सा सम नंबर था? 7। एकदम क्लियर, नो कंफ्यूजन। अब टैक्स क्या बनेगा? अगर आप इंडक्शन लेना नहीं चाहते हैं आप, तो 10% विदाउट इंडक्शन, और आप इंडक्शन लेना चाहते हैं तो ठीक है, 20% आपकी मर्जी। याद रहे ये ऑप्शन कब है? एट अ टाइम ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अब मान लो आपके जो शेयर आपने मुझे बेचे रिलायंस के, वो शॉर्ट टर्म है, क्या आपने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचे? नहीं, तो एसटीटी नहीं लगा। एसटीटी नहीं लगा तो आपको टैक्स रेट क्या लगेगा? नॉर्मल शॉर्ट टर्म, यानी कौन से स्लैब में जाएगा आप इंडिविजुअल, तो स्लैब रेट में 10, 20, 30 में। अगर आप कंपनी होते तो 30%, फर्म होते तो 30%, फॉरेन कंपनी होते 40%। इसलिए मैंने क्या लिखा? रेट एज एप्लीकेबल चार्ट में। क्लियर? अब नॉट लिस्टेड शेयर है, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं, या ऐसी कंपनी के जो शेयर्स अभी लिस्टेड नहीं हुए हैं, लिमिटेड कंपनी, तो चलो पहले सोचो, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लग सकता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स तभी लगता है अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बाय सेल करेंगे। अब आप लिस्टेड नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्टेड नहीं है तो क्या आप खरीदेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे? क्या बेचेंगे? एसटीटी नहीं लगेगा। इसलिए कौन सी सेक्शन पिक्चर में आएगी? 112 लॉन्ग टर्म पे क्या टैक्स बोलती है? 20%। क्या ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन तभी मिलता है अगर लिस्टेड शेयर है सी लिमिटेड का सम। क्लियर? नॉट लिस्टेड शेयर अगर शॉर्ट टर्म है तो कौन सा रेट लग जाएगा? आई थिंक यू आर क्लियर, एब्सोल्युटली, नो कंफ्यूजन। ये आईपीसीसी की शीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आगे नॉन रेसिडेंट जब भी हम पढ़ेंगे तो ये फंडामेंटल आपको काम आएंगे, क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के सम्स आए तो आप खुद नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे एग्जाम में 6 महीने के लिए। प्रैक्टिकल 9 पढ़ो। हमारे एक्स रेसिडेंट है, 26 साल की उम्र है, अंडरलाइन कर, रेसिडेंट है। इतना माइन्यूट सम मैंने ड्राफ्ट किए हैं कि कभी गलती ही ना करें आप। अब उनको एक शॉर्ट टर्म गेन हुआ 4,22,000 का, और एक ट्रिपल वाले वाला शॉर्ट टर्म गेन हुआ। अब देखो दोनों शॉर्ट टर्म साथ में, वेनिला भी साथ में और चॉकलेट भी साथ में। अब मालूम नहीं पड़ना है क्या करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो दोनों मिला के क्या इनकम बनी? ग्रॉस टोटल इनकम 5,42,000। 12,000 का पफ खा गए वो लोग पीपीएफ, तो कितना आया टोटल इनकम? 5,30। सब लोग मेरे साथ। अब क्या बताया था मैंने रूल, मैं बोर्ड पे काम नहीं करने वाला हूं, दिल के टुकड़े दो हुए, क्योंकि एसटीसीजी 111 इज ए स्पेशल रेट 15%। पहले उसको मैंने रखा साइड में 1,20,000, तो सामने इनकम क्या बची? कैसे निकालनी है सामने वाली इनकम? माइनस करके 5,30 में से 1,20 हटाना है, यानी क्या बची? 4,10। अब मुझे बताओ 4,10 क्या बिलो एग्जम्पशन लिमिट है कि अबो एग्जम्पशन लिमिट? 4,10 ढाई से ऊपर है ना, ढाई से ऊपर है, तो शिफ्टिंग करने की अभी जरूरत है? नहीं है, बच्चे वहां सोचते नहीं है, शिफ्टिंग इमीडिएटली सोचना है, तो शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। चलो लेफ्ट साइड कितना टैक्स लगेगा?
15% और राइट साइड स्लैब रेट दोनों को जोड़ दो, अब रिबेट मिलेगा, हाँ के ना? नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इनकम क्या है, टोटल इनकम 5,30,000, क्लियर, नो कंफ्यूजन। अब लास्ट एक और सम, तो आपको समझ में आया कि ऑटोमेटिकली जो प्योर शॉर्ट टर्म गेन था वो कहाँ चला गया, ऑटोमेटिकली स्लैब में चला गया। अब एक और थोड़ा टेढ़ा सम परेशान करने के लिए, बिजनेस इनकम है 152, शॉर्ट टर्म गेन है 138, लेकिन कौन सा शॉर्ट टर्म गेन अंडरलाइन करें, त्रिकल वन है, पीपीएफ कितना लगाया 10,000, चलो पहले टोटल इनकम बढ़े, टोटल इनकम क्या हुई 2,90,000। अब दिल के टुकड़े दो हुए, वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है, एक 148 क्या बन गया, शॉर्ट टर्म अंडर ट्रिपल वन है, राइट साइड 290 में से 140 हटाएंगे तो 142 बचेगा, क्या बचेगा 142। अब ये उम्र क्या है उनकी, देखे तो सब में 22 साल, तो शिफ्टिंग करना पड़ेगा पक्का, कितनी जरूरत पड़ेगी 2,50,000 तक, 142 में 2,50,000 करना है तो कितनी जरूरत पड़ेगी 1,80,000, तो शिफ्टिंग क्लियर। और बाकी जो बचा 40,000, दैट विल बी टैक्स एट व्हाट रेट, 15%, क्लियर, तो 40,000 पे 15% क्या आएगा 6,000, और स्लैब रेट पे नील 6,000, उसमें से क्या माइनस होगा रिबेट 5,000 रुपए, इट्स वेरी क्लियर। और जो भी मैंने लिखा है वो एक्सप्लेन भी किया है नोट्स के फॉर्म में। अब लास्ट सम, ये आईपीसीसी को लेकर लिखे गए हैं लेकिन आपकी समझ के लिए भी जरूरी है। एक्स हैं, उन्होंने लॉटरी खेल दी, 50,000 आए, बस जीवन में लॉटरी खेल दी, बाकी कुछ इनकम नहीं, मेहनत नहीं, पढ़े रहते हैं, हर रोज उठ के लॉटरी टिकट खरीदते हैं, इस साल 50,000 कमाए, चलो क्या पढ़ा था आपने, कौन सा टैक्स रेट फ्लैट 30%, क्या उसके सामने कोई एक्सपेंस ले सकते हैं, नहीं, क्या उसके सामने कोई डिडक्शन ले सकते हैं, नहीं, क्या उसके सामने 2,50,000 की लिमिट ले सकते हैं, नहीं, 2,50,000 की लिमिट इज नथिंग बट शिफ्टिंग बेनिफिट, विच बेनिफिट, अब उसकी कोई दूसरी इनकम तो है नहीं, स्लैब तो पूरा खाली जा रहा है, तो क्या वो शिफ्ट करेगा, नहीं कर पाएगा, तो 50,000 पे सीधा क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, बट रिबेट पक्का मिलेगा, क्योंकि टोटल इनकम यहां कितनी है, सिर्फ 50,000, यानी 5,00,000 से कम है, तो रिबेट जरूर मिलेगा। ऊपर वाले सब में थोड़ा मैंने और लिख दिया, प्रैक्टिकल 12, मान लो उसने 50,000 आए, आज वो जीवन में खुश हो गए और 10,000 पीपीएफ में डाल दिए कि चलो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बोलो उसके सामने 10,000 का रिडक्शन मिल सकता है, हाँ क्या ना, नहीं, क्लियर, तो आंसर क्या रहेगा, सेम इन प्रैक्टिकल नंबर 12। लास्ट प्रैक्टिकल नंबर 13, वो मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ा है, शॉर्ट टर्म गेन, देखो परेशानी वाला है, बट शॉर्ट टर्म गेन कौन सा है, प्लेन वेनिला, लॉन्ग टर्म गेन 190, विनिंग फ्रॉम तबड़क तबड़क 50,000, पफ 20,000, चलो तो करो, तो टोटल इनकम क्या बनेगी, 20,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म के सामने कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स के सामने कोई डिडक्शन, लेकिन 20,000 60,000 के सामने मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म है, गलती ना करे इसलिए सम लिखा है, तो 20,000 का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म स्पेशल रेट वाला नहीं है, अगर स्पेशल रेट वाला होता तो 20,000 का डिडक्शन नहीं मिलता, इज इट क्लियर, बी केयरफुल, है बहुत छोटा सा सम, परेशान यानी आपको क्लैरिटी चाहिए तो सम अच्छे लिखने पड़ेंगे, आई एम वेरी श्योर, इसलिए आईपीसीसी में, अब बोर्ड पे देखिए दिल के टुकड़े कितने करने हैं, 3 करने पड़ेंगे, अब समझ में आया, 2 स्पेशल हैं, तो कभी कभी होता है कुछ मेल मेंबर कभी कभी कर लेते हैं, 2 गर्लफ्रेंड रख लेते हैं, फिर टेंशन में रहते हैं किससे बात करूं किससे बात नहीं करूं, आजकल फीमेल मेंबर भी ऐसा कर लेते हैं, 2 बॉयफ्रेंड रख लेते हैं, तो अब 3 टुकड़े करने पड़ेंगे।
चलो बोलो टोटल इनकम क्या आई, बोलो 280, वेरी गुड। तो बोर्ड पे देखें, याद रहे पहला हॉर्स रेस, दूसरा LTCG, तीसरा बैलेंस इनकम। चलो हॉर्स रेस कितना लिखूं मैं, 50, LTCG कितना लिखूं, 190, सब लोग मेरे साथ, और बाकी इनकम कितनी लिखूं बोलो। यहां देखो 280 में से 50 हटाओ, 230 उसमें से 190 हटाओ, कितना 40, वेरी गुड, बैलेंस इनकम 40। अब 50 में से शिफ्टिंग बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है, वो तो सीधे सीधे कौन से रेट से टैक्स होगा, 30% से। शिफ्टिंग LTCC से मिलता है, हा के ना, हा यहां कितनी इनकम है 40, क्या होगा कितना जरूरी है यहां 210, और हमारे पास है कितना शिफ्ट करने के लिए, तो पूरा 190 शिफ्ट हो जाएगा, वेरी गुड, कितना टेंशन बढ़ जाए। तो यहां क्या बन गया, नीले गगन के तले नील, उसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगा 20%, लेकिन है ही कुछ नहीं तो क्या बनेगा नील, और शिफ्ट क्या करेंगे यहां 190, समझ में आया, 230 वो कौन से रेट से जाएगा स्लैब रेट, और वहां भी टैक्स क्या बन जाएगा नील, और यहां क्या बनेगा 15,000, तीनों को जोड़ देना है, और टोटल इनकम क्या है 280, यानी 5,000 का रिबेट पक्का मिलेगा, क्योंकि हमारे एक्स कौन है रेसिडेंट। अब आपका दिमाग और तेज हो गया कि सर कुछ और परम्यूटेशन कर सकते हैं, और बहुत कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा आंख बंद करके सोचे इसके साथ मैं एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दूं ये सम के साथ, तो सब लोग खेती करें कि नहीं, क्या जोड़ दूं मैं एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम अभी कवर नहीं करते हैं अभी, इतना ठीक है।